और फिर इन हवाओं को चीरते हुए सात समंदर पार, बड़े बड़े मैदानों और जंगलों की खाक छानते हुए हम लोग पहुंच गए मौत की घाटी, जिसके आगे गीगा हमारा इंतजार कर रहा। ओके सो देखते देखते तुम लोग देख ही सकते हो वैवन्स बड़े हो चुके हैं और रात ऑलमोस्ट होने वाली है। सो ये वैवन को ऑब्वियसली इम्प्रिंटिंग, तुम लोग को पता ही होगा इम्प्रिंटिंग आती है, तो उसके लिए इसने मुझसे मांगा वांट टू गो ऑन अ वॉक विद यू। बाकी सबने कटल ही मांग लिया था, मैंने कटल कर लिया, वो देखो हो गया। ये इसी तरह जब जैसे ये लोग कटल हो जाते हैं, आई मीन इम्प्रिंट हो जाते हैं, तो फिर ये ऐसी हरकत करते हैं। देखो 33% की इम्प्रिंटिंग हो गई है, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा 84% बड़ा हो चुका है। इम्प्रिंटिंग सिर्फ एक ही बार इसने मांगी। अच्छा 33, अभी भाई पूरी इम्प्रिंटिंग नहीं होगी। अच्छा हाँ, मैंने वो बढ़ा रखे हैं यार, रेट्स बढ़ा रखे हैं, जल्दी जल्दी इन लोग के बड़े होने के, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेला आदमी हूँ, मैं 3-4 दिन तक वैमेंसी बड़े नहीं करता रहूँगा, मैंने तुम लोगों को वीडियोज़ कैसे मिलेगी। ऐसे बहुत जल्दी आ रही, देख रहे हो तुम लोग, अब तक इन लोग की इम्प्रिंटिंग हो जाती है, अब 100 नहीं हो पाएगी मेरे को लग रहा है। मेरे को भाई डर लग रहा है, क्योंकि 100% इम्प्रिंटिंग है और बहुत अच्छी होती है, 30% सीधा डैमेज रेजिस्टेंस और डैमेज गेन मिल जाता है। ओके गाइस, तो जैसे तुम लोग देख सकते हो, हम लोग के सारे ही वैवेंस, मतलब तीनों ही वैवेंस ऑब्वियसली, तीनों ही वाइवेंस हो चुके हैं पूरे बड़े विथ फुल हेल्थ, क्योंकि मतलब जब मैंने देखा होगा तुम लोगों ने, जब मैंने इन लोगों को बड़ा किया था, तो उसके बाद इन लोगों की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम थी। मतलब वो होता ही है, वो होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी हेल्थ बहुत कम होती है, तुमको बढ़ानी पड़ती है। वो मैंने बढ़ा भी दी, और मैं थोड़ा इन लोगों को मतलब अब बैठा तो नहीं रह सकता था ऑब्वियसली, तो मैंने थोड़ा टहला भी लिया था, थोड़े बहुत पॉइंट्स भी आ गए, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही पॉइंट्स आए। और तो मैं सोच रहा था कि किसमें पॉइंट्स डालूँ, तो सोच रहा हूँ कि अब लाइटनिंग है तो इसके देखो, इसको एक तो इसको मेले डैमेज चाहिए होगा, तभी इसका जो है डैमेज बढ़ेगा पर सेकंड, और डैमेज बढ़ेगा तो टॉप एडिटी बढ़ेगी, जिस काम के लिए हम लोग को जाना है ना। और मैं सोच रहा था स्टैमिना, क्योंकि जो मारते हैं ये लोग बिजली या पॉइजन या फायर या आइस या कुछ भी, तो वो जो है वो स्टैमिना लेता है, तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों में पॉइंट डाल दिया जाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, 180 है, 150 था हम लोग पास पॉइजन वाइवन, अगर तुम लोगों ने बताओ, 180 था, 150 था, ये शायद 180 है, आई थिंक 180 है, नाइस। और ये भी 180 है मेरा लाइटनिंग, और वाओ ये 200 हो चुका है, मैंने थोड़े पॉइंट डाल दिए थे, 200 होने वाला है, वाओ 200। और लाल कलर कहाँ है, ऊपर देख रहे हो लाल कलर दिखा रहा है, ये सच दिखाता है, ये काफ़ी सच दिखाता है इन सब चीज़ों में, लेकिन आई हाईली डाउट दैट। बाप रे बाप, मेरे को दिखने में सबसे अच्छा जो लगता है वो ऑब्वियसली तुम लोग को भी लगता ही होगा यार, तुम लोग को भी लगता ही होगा, तुम लोगों ने आइस वाइवन अगर देखा हो तो मैंने भी देखा है, मेरे को वही भाई, क्या मतलब क्या मॉडल है यार, क्या मॉडल है, सभी अच्छे हैं वैसे एक तरह देखा जाए। सबसे ज़्यादा भरा हुआ मुंह इसका है पॉइजन का, ऑब्वियसली देख रहे हो कान के पास के। और जो भाई ये लोग चलते हैं, तो चलते समय जो कपड़े वाली एनिमेशन है यार पंखों पे, आह आह, मेरे को नहीं लगता किसी में भी है। और हाँ, एक क्विक टिप, टिप नहीं, एक क्विक नॉलेज, ज्ञान देंगे हम, क्योंकि ज्ञान देना ही काम है, क्योंकि ये ज्ञान बहुत ही अच्छा है, और तुम लोगों को शायद मैक्सिमम तुम लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़, कि वाइवन उसे कहते हैं जिसका जिसके देखो दो पंख हो और दो पैर हो, ठीक है, इसके देखो दो पंख दो पैर हैं। ड्रैगन वो होते हैं जिनके दो पंख हो और चार पैर हो, तो उन्होंने देखा था ड्रैगन के दो पर भी हैं और चार पंख, सॉरी दो पर भी हैं और चार पैर भी हैं, हाँ मतलब दो हाथ होते हैं ऑब्वियसली, तो इन लोग के नहीं होते हैं, तो वाइवन उन्हें कहा जाता है, समझे। तो ये तो अपना लाइटनिंग वाइवन हो गया, और अपना ये दोनों पॉइजन ऑब्वियसली खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अच्छा हाँ, मैं तुम लोग को अटैक्स एबिलिटीज तो दिखाना ही भूल गया साला जल्दबाजी में, क्योंकि दिखाना भी तो है तुम लोग को। ओके सो ये तो जानते ही होगे तुम लोग ऑब्वियसली, बाइट मेरे सामने लगे कोई क्रीचर ना मर जाए, मेरा डर लग रहा है, रुको उधर देख लें जरूर ज़रा। और ये कपड़े के एनिमेशन देखो, ये इसके पंख देख लो तुम लोग, पंख देखो, केवल पंख देखो, ये देख लो, ये भाई क्या मुड़ते हैं यार, क्या मुड़ते हैं, मतलब मैं वैवन्स पहले भी चला चुका हूँ, लेकिन यार मतलब क्या कहें, मॉडल्स ही ऐसे हैं यार, बार बार तुम देखोगे बार बार खाओगे। और उड़ते समय तो तुम लोग जानते ही हो ऑब्वियसली, ये लोग वाओ, मैंने तो अपनी ट्राइब नहीं बनाई थी, एल दबा दिया मैंने गलती से के की जगह, नाइस, तुम लोग जानते ही हो ऑब्वियसली। बस मेरे को कोई थाला खोलियो ना उतार ले, क्योंकि ये रेडवुड है और इससे ज़्यादा कैमरा क्लोज जाता नहीं है। ओके वाओ,
मैंने अटैक कर दिया ऑब्वियसली, लाइटनिंग वेपन है तो लाइटनिंग निकलेगी ऑब्वियसली। मैं सोच रहा था इससे थोड़ा क्लोज चला जाएगा लेकिन कोई नहीं, वैसे हम लोग इसके ऊपर भी उतर सकते हैं चलते चलते। वो पता लगे लैंड करने चला जाएगा क्योंकि भी हम लोग नहीं चाहते। और सामने से उन्होंने देखा ही है ये, व्हाट ए लुक। और हवा में भी वही है, बाइट और लाइटनिंग जो कि बहुत 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 एक्यूरेट है अगर तुम काजस लगाना जानते हो तो। साथ में टॉर्पिडिटी देती है यानी कि सुला देती है, डैमेज तो करती है, डैमेज ज़्यादा है, टॉर्पर कम है तो ऑब्वियसली तुम लोग जानते हो गीगा के बहुत काम आएगा क्योंकि इसके ज़्यादा हेल्थ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये उड़ता रहेगा तो गीगा घंटा ना ही काट पाई हम। और बाकी हाँ, अच्छा हाँ, उतरते समय एक मिनट उतर जाओ बेटा, कहीं तो उतरो। अगर तुम किसी पेड़ के पास हो, मैं अपना हर्ड एक सेकंड पहले पेड़ के पास पहुँच जाऊँ। ओके पेड़ के पास पहुँच गए हम लोग, अब देखो ठीक है राइट साइड देखना ठीक है। और सॉरी लेफ्ट था, मैं चूतिया हूँ। देखा तुम लोगों ने वुड एंड थैच, ये बैट के वाला अटैक है। और अगर तुम यही अटैक उड़ते समय करो, अब मेरे को उसके लिए कोई लौंडा ढूंढना पड़ेगा। ओके ये है, ये रहा गैरिमैमस एंड तुमने किया सी। ओके नहीं उठा, नाइस। मेरी बेइज्जती कराने की आदत है इन लोगों को बार बार, हर बार वो काम तो होगा ही नहीं जो मैं करना चाह रहा हूँ, है ना। ये तो भाग रहा है डिप्लोडोकस, ऑब्वियसली नहीं उठने वाला, कोई और है। पैरासर नहीं उतरने वाला, उठने वाला कितना फंबल करने वाला हूँ मैं, मेरे को खुद नहीं पता। और हाँ, उड़ने वाले क्रीचर्स के हाथों नहीं उठते हैं, सिर्फ ज़मीन वालों के हाथों उठते हैं ऑब्वियसली, तुम लोग को भी पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। मेरा मेगलोसिरोस एंड वाओ आई एम शिट ऑब्वियसली, कैस्टेरॉयड हालिया नाइस। और हाँ, तुम सबसे बड़ा क्रीचर इसमें जो उठा सकते हो वो है स्टेगो सबसे बड़ा उठा सकते हो, और शायद मैमथ भी उठा सकती है। मैमथ वो उठा सकती है, क्वेट्जल उठा सकता है। हाँ क्वेट्जल उठा सकता है, क्वेट्जल ही केवल एक ऐसा है जो मैमथ उठा सकता है, और उससे भी बड़ा तुम्हें उठाना है यानी कि स्पाइनो। तो 200 लेके आओ, 200 सबसे बड़ा दुनिया में जो सबसे बड़ा क्रीचर है स्पाइनो, रेक्सी से भी बड़े होते थे वो, तो उनको भी उठा देता है, समझ ही लो कितना ज़्यादा बड़ा होगा 200। तो हाँ मैंने थोड़ा ज्ञान पेलना था तो ज्ञान भी पेल दिया, तुम लोग को भी पता चली गया है ना। ओके तो तुम लोग को मैं ज़रा अपग्रेड एनिमेशन भी दिखा देता हूँ। आई थिंक अपग्रेड एनिमेशन भी सेम वही है जो इसका पंख है, जो ये थैच अवॉर्ड जिससे निकालता है। तो किस में डालें पॉइंट, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हेल्थ में डाल देते हैं, करीब 8000 की हेल्थ अच्छी रहेगी, बाकी मेले डैमेज में। ये नहीं है, नहीं है, मैं तो थोड़ा यूं यूं करके करता है। एक बार तुम लोग को और दिखा देते हैं, ये की की की, ये यूं यूं देखता है और फिर ये पॉ प्योर लाइटनिंग, प्योर वेपन की आवाज़ है ऑब्वियसली। और आप तुम लोग जानते हो हर एलिमेंट्स के अपने अपने अलग अलग डैमेज होते हैं, अपने अलग अलग अटैक्स हैं, एक ही अटैक अलग है, मतलब वो ब्रेथ वाला, लाइटनिंग का अलग, पॉइजन का अलग, फायर का अलग, आइस का अलग, सबके अपने अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं। एक का डैमेज ओवर टाइम है यानी कि फायर का, लाइटनिंग का विथ डैमेज है जैसे जैसे तुम चिपकाते जाओगे जिसको भी मार रहे हो, पॉइजन का एक बार का डैमेज है, और पीवीई के लिए, सिर्फ पीवीई के लिए आई थिंक, मेरे हिसाब से, मैंने पीवीपी तो कभी खेला नहीं है लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ये लगता है कि पीवीपी में ये अच्छा होगा, पीवीई में सबसे बेकार है। पॉइजन वेपन की बात कर रहा हूँ, खासकर कोई काम नहीं आता ये क्योंकि इसकी जो ब्रेथ है वो बहुत ही लेस डैमेजिंग है, बहुत लेस मतलब बहुत लेस। अभी मैं तुम्हें खुद ही दिखा देता हूँ टेरर बर्ड्स पे, ये देखो टेरर बर्ड्स घूम रही हैं, ये मैंने मारा। ओके कुछ लगता क्यों नहीं मुझसे, योर पॉइजन वेपन किल्ड जायगोंटो पिथिकस कैसे, मेरे को नहीं पता, और शायद ये लोग भी मेरे पे एग्रो होंगी, नहीं पैगो मास्टैक्स होगा चुरवा साला। रुको जरा, मर गया बाब दो, ये देखो ये मर ही नहीं रही है, टेरर बर्ड मर ही नहीं रही है, देख रहे हो कितनी बार मैं काट चुका हूँ, 321 का मेरा डैमेज है, ये देखो ये अब मरी जाके, भाई कितना कम डैमेज है, कितना ज़्यादा कम डैमेज है इन लोग का, देख रहे हो यही हाल है। और स्टैमिना खत्म, ये बाइट अटैक और राइट क्लिक से ये पॉइजन बॉल, सी से वही अपना पेड़ तोड़ने वाला, कंट्रोल से कुछ नहीं है, एक्स से कुछ नहीं है, और अपग्रेड एनिमेशन एज यू नो इट वही है जो सबका है, थोड़ा इधर उधर देखता है और उसके बाद कहाँ के, बहुत उचित बकवास, काफ़ी ज़्यादा मैं समय बिता चुका हूँ,
की वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी, जो कि मैं नहीं चाहता। लेट्स गेट ऑन, नहीं गेट ऑन नहीं, वैसे मैं लाइटनिंग वेपन को ले लेता हूँ क्योंकि ये है तेज़ मार, लेकिन इतना भी तेज़ नहीं है। सो हम लोग लेके जाएंगे अपने, तुम्हारा क्या नाम है बेचे, रॉकड्रेक को। कि हम लोग रॉकड्रेक लाए हैं किस लिए लाए हैं, यूज़ करने के लिए ना कि रखने के लिए ऑब्वियसली। तो हम लोग लेके जाएंगे इसी को। टेरानो मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ, मतलब हम लोग सब एकदम नूबी लेवल वाले से ही शुरू कर रहे हैं, नूबी लेवल वाले ही काम करने वाले हैं हम लोग। इसको से मैं ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोग को घंटे भर की वीडियो नहीं चाहिए होगी, है ना, और मैं भी जल्दी जल्दी आ जा पाऊँगा। तो देखो यार, किस्मत होगी तो एक तो यहाँ मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो एक और जगह होती जो तुम लोग को शायद तुम लोग को ना पता हो, मे बी, जस्ट मे बी। तो वो भी मैं तुम लोग को आज जगह बता दूंगा जहाँ पे गीगा एक जगह और है रैग्नारॉक पे, जहाँ पे वो स्पॉन होता है। ओके, सो इसी जगह के आसपास स्पॉन होना था लेकिन स्पॉन हुआ नहीं, क्योंकि वो तुम लोग को दिख रही होगी। एक मिनट जरा मैं कूद के दिखाई देता हूँ। वो देखो दिख रही है तुम लोग को ट्रेंच, और वहीं ट्रेंच के बाहर जस्ट बाहर टेटानोसॉरस स्पॉन होता है, और इधर पीछे गीगा स्पॉन होता है। ये सबसे झंड जगह है जहाँ पे सारे बड़े क्रिएचर स्पॉन होते हैं, तुम्हारा बेस की माँ बहन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि टेटानोसॉर भी घुस ही आता है बेस में। तो हाँ, यहाँ पे होता है गीगा, और देख रहे हो तुम लोग ऑलमोस्ट रात होने वाली है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, और यहाँ नहीं है, जहाँ वो है वो वही जगह है, किस्मत वही जगह है जहाँ पे मैंने तुम लोग से कहा था कि वहाँ पे मिल जाएगा वो अलग जगह। और फिर इन हवाओं को चीरते हुए, सात समंदर पार, बड़े बड़े मैदानों और जंगलों की खाक छानते हुए, हम लोग पहुँच गए मौत की घाटी, जिसके आगे गीगा हमारा इंतज़ार कर रहा। बट उसके पहले मेरे को बस एक चीज़ दिखाई दे गई, बस जस्ट एक चीज़, और वो तुम लोग को मेरे बिल्कुल सामने दिख जाएगी जैसे हम लोग देखेंगे इधर। और वो थे कुछ और क्रीचर्स जो कि यहाँ पे स्केलेटल घूम रहे थे, और जिनकी भाई मतलब क्या बताऊँ मैं, उनकी हेल्थ देख के ना मेरे एकदम हालत ही ख़राब हो गई। और पेंगोलिन राइनोसोरस ये भी है इसमें, वाओ। वो देखो उधर भी। सो हाँ, ये ज़रा स्केलेटल स्टेगो देख लो तुम, 45,000 हेल्थ, हाँ ऑलरेडी गई हुई है, पिटाटा हो गई। तो गीगा करने से पहले मैंने सोचा इन लोगों को भी मार लिया, तो मैंने कुछ और भी मार लिया। तुम लोग को दिख रहा होगा मेरे पास, ये देखो कुछ डायनासोर बोन हो गई हैं, मतलब करीब 49, क्योंकि कार्नोवारनो मिले थे मेरे को, कार्नो रैप्टर्स, तो मैंने सोचा उसमें क्या ही दिखाना है, तो मैंने अड़ाओ। तो सीधा हम लोग आई गेस स्टेगो से ही चालू करते हैं, अगर मेरी वहाँ तक पहुँच जाए। ओके नाइस, पहुंची तो कम से कम हेल्थ भी चलेगी उसकी 1,000। ये अच्छी बात है कि ये अच्छी बात है कि जो अपना लाइटनिंग वाइवन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ डैमेज करता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। वैसे मेरा प्लान जानते हो क्या था, इस वीडियो का टाइटल कुछ और होने वाला था, लेकिन कुछ आर्क वालों के हरामी पने की वजह से वो होने नहीं पाया, और मैं वो चीज़ मैं अभी तुम लोग को दिखाऊंगा कि वो क्या है असल में। और मेरे को यहाँ पे पास ही में रेक्स भी मिल गया है, गीगा को मारने से पहले हम लोग रेक्स को भी मार ही लेंगे, और रेक्स में भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वैसे मैं इसको उठा के मार सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये उठाने पे मारेगा नीचे अपने उड़ाने वाले को, मतलब अगर मैं इसको पकड़ लूँ। ये देखो पकड़ लिया मैंने, अब स्टेगो मेरे को मार सकता है लेकिन मैं स्टेगो को नहीं मार सकता, ये देख रहे हो, और ना ही मैं पीछे मार सकता हूँ। नोप 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 नोप, यहाँ उतर जाते हम लोग औकात से। मर गया,
नाइस, बोन मिली मिली, चलो 6 मिली। और हाँ, जिस इफेक्ट की मैं बात कर रहा था वो मैं तुम लोग को अभी दिखा देता हूँ। देखो ये अपना लाइटिंग वेपन है, तुम लोग को बिल्कुल सामने देखो ब्रोंटोस दिख रहे हैं। आई थिंक इनमें से एक कोई मैक्स लेवल है, क्योंकि मैंने इसलिए मेरे को दिख गया था तो मैं यहाँ आ गया डायरेक्ट, क्योंकि एक 130, हाँ ये रहा 150 लेवल का, दो फीमेल्स के साथ एक मैक्स लेवल मेल घूम रहा है। तो यहीं पे मैं तुम लोग को दिखाना चाहता था कि असल में इसमें होता क्या है। तो असल में इसमें होता ये है कि जो अपना लाइटनिंग वेपन है वो टॉरपोर देता था। तुमने देखा दोनों की हेल्थ गई पर किसी को टॉरपोर नहीं मिला। जब मैं जाता था तो मुझसे खास प्यार है इस गेम को, ये पता नहीं आर्क वालों को है क्या। गीगा पकड़ा, ला 63 की हेल्थ अपनी ला, काट दी। साले ला अपनी ब्लीडिंग इफेक्ट वाला डैमेज ला, वो भी काट दिया। साले रॉक एलिमेंटल यहाँ तेरे को काटते हैं, तेरी पूरी 25 की हेल्थ काट के सीधा 8000 की सिर्फ देंगे। और इसका जो है टॉर्बिडिटी खींच ली। अबे टॉरपोर क्यों ले लिया, मेरे को समझ में नहीं आया भाई। अच्छा खासा ओनली क्रीचर हो जाता है ये। मेरी वीडियो का टाइटल यही होने वाला था पता है, दी ओनली क्रीचर विच कैन टेम गीगा विदाउट गेटिंग किल्ड। खा गए लोग, खा गए भाई।